देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हम इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, वो भी एक इजी ट्रिक से। तो चलो आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब हमारा पहला एग्जाम्पल है 3 × −7। अब इस ट्रिक में हमें सिर्फ इतना देखना है कि हमारे क्वेश्चन में माइनस साइन कितनी बार आ रहा है। तो यहाँ पर एक बार आ रहा है, हमें देखना है अगर वो ऑड टाइम्स आ रहा है तो हम माइनस साइन का यूज करेंगे आंसर में, और अगर वो इवन टाइम्स आ रहा है तो हम प्लस साइन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, वन टाइम आ रहा है मतलब ऑड टाइम्स, तो 3 × 7 से कितना होता है 21। अब ऑड में हम क्या यूज करेंगे, माइनस साइन, और यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे और ये आ गया हमारा आंसर जो कि है −21। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4 × −2 × −9। तो यहाँ पर हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं, तो हम सबसे पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 × 2 से कितना होता है 8, और 8 × 9 से कितना होता है 72। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 72। इसके बाद हम देखेंगे माइनस साइन कितने बार आ रहा है। तो यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है, 2 इवन होता है तो हम प्लस साइन का यूज करेंगे। या तो हम प्लस साइन लगा सकते हैं या फिर हम ऐसे ही लिख देंगे, वो भी पॉजिटिव ही माना जाता है। तो ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है −7 × −8 × −3। अब यहाँ पर हम इन्हें सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 × 8 से कितना होता है 56। 56 3 से हम मल्टीप्लाई कर देख लेते हैं, 56 × 3। 3 × 6 का कितना होता है 18, 1 कैरी, 3 × 5 = 15 प्लस 1 = 16। यहाँ पर हमारे पास आ गया 168। अब हम देखेंगे हमारे पास माइनस साइन कितने टाइम्स आ रहा है। 1, 2, 3। 3 ऑड होता है मतलब हम माइनस साइन का यहाँ पर यूज करेंगे, और ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है −5 × −7 × −1 × 2। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 7 = 35, 35 × 1 = 35, 35 × 2 = 70, 35 + 35 = 35 × 2 करना है तो हमारे पास कितना आ जाएगा 70। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 70। अब हम काउंट करेंगे नेगेटिव हमारा जो साइन है वो कितनी बार आ रहा है। 1, 2, 3। 3 ऑड होता है, हम माइनस साइन का यूज करेंगे, और ये आ गया हमारा आंसर। अगर कोई माइनस साइन नहीं है तो हमें पॉजिटिव यूज करना है। तो यहाँ पर इसी तरीके से आप अपने माइंड में और एग्जांपल्स को क्रिएट कर उन्हें सॉल्व करोगे तो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।